एवरीवन, मैं प्रेरणा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक यूनिक सा बोटल पेंटिंग जो कि मैं काफ़ी दिनों से बनाना चाह रही थी। ये है एक यूनिकॉर्न हेड व्हाट रूम डेकोर। तो उसके लिए हम क्या क्या ले रहे हैं चलिए देख लेते हैं। पहले मैं एक बॉटल ले रही हूँ, आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं अपने घर में जो भी है। और मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस ले रही हूँ। इससे हम एक टेक्सचर पेंट बनाएंगे जो कि इस बॉटल को के सरफेस को कवर करने के लिए हमें मदद करेगा। फिर एक बाउल और मेरे जो भी आपके पास एक्रेलिक कलर हैं उनको आप ले लीजिए। और मेरे पास एक्रेलिक काफ़ी तरह के एक्रेलिक कलर हैं। ये दो नए मैंने पर्ल एक्रेलिक कलर लिया हुआ है, मैं उनको भी ले रही हूँ। और एमसिल और कुछ ब्रशेस और कुछ टिश्यू पेपर। तो पहले हम जो मैंने जो बेस आपको बताया है उसको बनाने के लिए पहले हमें दो पार्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाना है। अगर आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है तो आप बेबी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का। तो मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लिया है। अभी मैं एक पार्ट ग्लू ले लूँगी, कोई भी लोकल ग्लू आप ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। मैं ग्लू के साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। ग्लू काफ़ी थिक है इसलिए मैंने यहाँ पानी भी ऐड कर लिया है। और हम ले रहे हैं एक पार्ट वाइट कलर, क्योंकि मैं एक वाइट टेक्सचर पेंट बना रही हूँ इसलिए मैं एक पार्ट वाइट कलर ले रही हूँ। अभी ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिलाना है। मेक श्योर इसमें और कोई लम्स ना रहे, मैं इनको अच्छे से मिला रही हूँ। अभी इसी पेंट को हम अपने बॉटल में एज अ बेस अप्लाई करेंगे। हो चुका है तो मैं इसको अभी बॉटल को पेंट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। पेंट कर लीजिए और आपको कुछ देर इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। ये बॉटल में काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है। अगर आपको लगे कि और एक कोट लगाने की ज़रूरत है तो आप वैसे भी और एक कोट भी दे सकते हैं। इसको करके आपको थोड़ी देर छोड़ देना होगा ताकि ये सूख जाए। ये कोट लग गया है और लगने के बाद इसमें जो भी लिखा हुआ है या कुछ भी है ये कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए हम इसको कुछ देर छोड़ देते हैं ताकि ये सूख जाए। देखिए ये लगभग अभी सूख चुका है तो मैं इस पर एक वाइट कलर का एक कोटिंग दे रही हूँ ताकि ये और ब्राइट दिखे। जब भी आप टेक्सचर पेंट करते हैं उसके ऊपर अगर आप नॉर्मल जैसे एक्रेलिक कलर है या फिर आपके पास कोई पोस्टर कलर वगैरह है उसका अगर एक कोटिंग देते हैं तो वो कलर काफ़ी ब्राइट उभर के आता है। मैं इसको कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ रही हूँ। देखिए अभी ये सूख चुका है तो मैंने अभी एमसिल को लेके इसको अच्छे से नील कर दिया है और ऐसा शेप दे दिया है। और इसको अभी हम यहाँ पे चिपका देंगे। इस तरह के रोजेस लिए हैं। छोटे छोटे रोजेस आपको मार्केट में मिल जाएंगे आसानी से। शायद पूरा पैकेट मैंने 10 रुपीज या ऐसे ही कुछ में खरीदा था। देखिए और अभी हम यूनिकॉर्न का के लिए हेयर बनाएंगे। ठीक है तो उसके लिए मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्लू गन से पहले टिश्यू पेपर को चिपका दूंगी।
इसको आप थोड़ा मोड़ लीजिए ऐसे और यहाँ चिपका लीजिए। इसको वैसे ही मोड़ते मोड़ते आप यहाँ तक ले आइए। तो और एक भी ले सकते हैं, तो इसको भी मैं इसके ऊपर से ही ले रही हूँ। अगर आपको ग्लू गन, आपके पास ग्लू गन नहीं है, आप नॉर्मल ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये हो गया है तो मैं अभी इस पे पेंट करूंगी। ये थोड़ा गोल्डन कलर में दे दे रही हूँ ऐसे ही, और हम पिंक कलर थोड़ा सा यूज करेंगे। देखिए यूनिकॉर्न का जो भी कलर्स जैसे ब्लू पिंक ऐसे कलर्स का यूज कीजिए ताकि ये ज्यादा ओरिजिनल लगे। और मैंने पर्ल ब्लू भी लिया है, और मेरे पास ये वाटर बेस्ड पेंट भी है तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ग्लाइड करने में बहुत आसान होता है। देखिए कलर भी मैं ले रही हूँ, ज़्यादा मतलब यूनिकॉर्न के लिए ज़्यादा पिंक कलर मुझे पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ। और ये गोल्डन कलर थोड़ा ग्लू देके को चिपका दीजिए। देखिए दोनों एंड थोड़े कंसील लगे और काफी और मतलब ज्यादा मेसी ना लगे। देखिए नीचे वाला पार्ट भी काफी अच्छे से हो चुका है। मैं ऊपर के गोल्डन पार्ट में भी एक और कोटिंग दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर भी ऐड कर लिया है, और अभी हम एक मार्कर की मदद से यूनिकॉर्न के आईज बना लेंगे। ये प्रोजेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं और मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आपने ट्राई किया है तो ये आपका कैसा बना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय।